अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर या फिर फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अभी जो बात काम की है वो ये है कि डेवलपर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े रॉन्ग नंबर हैं। बैरिया स्काई के नाम से बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 के अंदर वो एक साल के अंदर 7वें फ्लोर तक पहुंच चुका है। उनकी वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन शो करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं रिजवान अली और आज हम बात करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की और फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट की, क्या डिफरेंस होता है दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसी भी डेवलपर की जानब से, किसी भी बिल्डर की जानब से जब मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस के ज़रिए वो प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट कौन सा होता है? ऐसा प्रोजेक्ट जो कि किसी भी डेवलपर, किसी भी बिल्डर की जानब से जब मुकम्मल तौर पर बना लिया जाता है, तो अमूमन ये होता है कि बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट को बाद में बेचते हैं, लेकिन अमूमन ऐसे होता नहीं है। बड़ा कम, बड़े रेयर केसेस में होता है कि ऐसा कोई डेवलपर या बिल्डर जो है वो पूरा प्रोजेक्ट बनाए और उसके बाद बेचे, और अगर बेचता भी है तो वो फिर अच्छा खासा कमीशन भी रखता है, अच्छा खासा प्रॉफिट, क्योंकि वो प्राइस जो होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कौन से वाले प्रोजेक्ट में करनी है, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में करनी है या फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर करनी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर या फिर फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, अगर आपको अपने एसेट ग्रोथ को बढ़ाना है, अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन को बढ़ाना है, तो फिर तो आपको स्मार्ट माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। क्यों? अब उसमें ये होगा कि आप एक, सबसे पहला उसका बेनिफिट ये है कि जो चॉइस ऑफ यूनिट होगा, जो अपार्टमेंट होगा, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको फ्रंट पे चाहिए तो आपको फ्रंट पे मिलेगा, अगर आपको बैक पे चाहिए तो बैक पे मिलेगा। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, उसके बाद ईजिएस्ट पेमेंट प्लान, कोई भी आपको पता होगा कि इस अपार्टमेंट का या इस शॉप का क्या प्लान है, वो आपको पता होगा। तीसरे नंबर पे अगर आप उसी अपार्टमेंट को लॉन्गर पीरियड के अंदर जाकर किसी जगह पे रेंट आउट करते हैं या किसी को टेनेंट के तौर पर देते हैं, तो वो भी अच्छी खासी रेंटल इनकम है। उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाई राइज प्रोजेक्ट जो हैं उनके अंदर अच्छी खासी रेंटल इनकम है। उसके साथ साथ उसकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो एक अमूमन जो आम प्रॉपर्टी होती है पाकिस्तान के अंदर, वो 5-15% तक ग्रो करती है साल के अंदर, और जो आपकी हाई राइज वर्टिकल बिल्डिंग होती है वो तकरीबन 20% से भी ज़्यादा ग्रो करती है। इट मीन्स के जो ट्रेंड्स हैं वो इसी चीज़ के हैं। अब हमने बात करनी है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि फुली कंस्ट्रक्टेड है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे बेनिफिट्स वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बात की कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप अचीव कर सकते हैं एक हाई कैपिटल एप्रिसिएशन और अपने एसेट ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट, अमूमन ये होता है कि आपको चांस नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर जब कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसके अंदर अमूमन ऐसा होता नहीं है कि पूरा पहले प्रोजेक्ट बना लिया जाए और तब आपको जो है कि वो बेचा जाए, तो ऐसा अमूमन होता नहीं है। अगर होता भी है तो उसमें आपको फिर वो जो चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन वाले रेट्स होंगे, फिर आपको यहाँ पे फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोगों का ये भी होता है कि हमने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि जो क्लियर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो सीधा साधा हो, जो सामने हो, तो वो जाहिर सी बात है फुली कंस्ट्रक्टेड ही होगा, अदरवाइज दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको ऐसे चांस नहीं मिल सकता। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और फुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अभी जो बात काम की है वो ये है कि डेवलपर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े रॉन्ग नंबर हैं, बड़े ऐसे फ्रॉड, बड़े स्कैम हुए हैं कि लोगों का एक एतबार जो था वो उठ चुका है। तो अब हमें कौन सी ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, कौन सी डेवलपर्स के साथ हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनमें ऐसी कौन सी खासियत होनी चाहिए कि जिसे हमको सामने रखते हुए उनके साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका कोई भी डेवलपर, अगर तो उसका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि ओजी डेवलपर के बारे में बताऊंगा जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाइज डेवलपर है, जो कि
अपनी तमाम तर कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखता है, 24/7 लाइव कंस्ट्रक्शन अपडेट्स दे रहा होता है। तो इसी तर्ज की चीज़ें चाहिए हमें, क्योंकि डेवलपर की जब ऑथेंटिसिटी सामने होती है, जब वो बता रहा होता है कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैं कर रहा हूँ, या आप देख सकते हो घर बैठे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, 24/7 जब चाहो आपकी मर्जी, तो फिर उसके पीछे कोई शक व शुबा रहता नहीं। पहली बात, ओजी डेवलपर का जो एक ग्रैंड प्रोजेक्ट था बैरिया स्काई के नाम से, बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 के अंदर, वो एक साल के अंदर 7वें फ्लोर तक पहुंच चुका है। उनकी वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन शो करती है कि वो डेवलपर ऑथेंटिक हैं। 4 साल का प्रोजेक्ट था, सिर्फ एक साल के अंदर 7वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं, और उनका कहना है कि इस साल के दिसंबर तक हम पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर बना लेंगे। इट मीन्स के इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन सिर्फ 2 सालों के अंदर वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। 2 साल बाकी रहते हैं अभी, और इसी चीज़ को मार्केट में लोग देखते हुए अब उनके जो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि मेन फिरोजपुर रोड पर लाहौर स्काई के नाम से है, उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप भी लाहौर स्काई को देखें, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 73 कनाल की ज़मीन के ऊपर फैला हुआ प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर 6 कम्युनिटी टावर्स बन रहे हैं, और एक जो कम्युनिटी टावर जो पहला बन रहा है, वो तकरीबन 350 फीट हाइट के साथ, यानी कि पंजाब की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है। आप वहां पर जाएं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, आप देखें यूनिक फीचर्स क्या हैं, क्योंकि मार्केट में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो लाहौर स्काई की खसूसियत है उसमें सबसे पहले BFO, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में। सेकंड नंबर पे IT पार्क, 19वां IT पार्क बनने जा रहा है, और इससे पहले पाकिस्तान के अंदर 18 IT पार्क थे। और इस IT पार्क की खास बात यह है कि 2.5 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल इसका एरिया है। इट मीन्स के 10 सालों के लिए कोई टैक्स नहीं है वहाँ पे। थर्ड नंबर पे फूडी फन लैंड, एक नई चीज़ एक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं, पेंट हाउसेस हैं, आप आए प्रोजेक्ट को देखें, कम्युनिटी लाइफ स्टाइल है। सो ये लाहौर स्काई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मेन फिरोजपुर रोड पर वाकया है, ओजी डेवलपर का बड़ा प्रोजेक्ट है, जिन लोगों के बहुत सारे लोगों ने जब बैरिया स्काई की परफॉर्मेंस को देखा तो उनको लगा कि हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी बैरिया स्काई में, क्योंकि अब वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम रह चुकी हैं। तो अब अगर आपने ओजी डेवलपर के साथ काम करना है, तो आप मेन फिरोजपुर रोड पर जो लाहौर स्काई के नाम से प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आएं और वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में आके इन्वेस्टमेंट करें, और वहाँ की तमाम तर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करें। सो ये मेरी रिकमेंडेशन है, सबसे बड़ी रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा ट्रांसपेरेंट है, 24/7 लाइव कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, तमाम तर चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सो वाई नॉट, क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्वेश्चन तो ये है। सो ये थी आज की वीडियो, अंडर कंस्ट्रक्शन और फुली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है, ये दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ में एक प्लस पॉइंट जो आपको इसको खुशखबरी दी है कि कौन सा डेवलपर है जिसके साथ आपको काम करना चाहिए, जिसके प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हमने बात की कि आपको किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको फुली कंस्ट्रक्टेड या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया, और साथ में आपको बताया कि किस डेवलपर के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि डेवलपर का ऑथेंटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये डेवलपर है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये अपनी तमाम तर चीज़ें वाजे रखता है, बताता है कि वो क्या कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हों तो फिर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये मेरी एक बेस्ट रिकमेंडेशन थी आपको, आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, एटलीस्ट प्रोजेक्ट के वाले से पूछना चाहिए। सो ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। सो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने तमाम तर चीज़ें बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश की है। सो इसी तर्ज की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, साथ में आप फॉलो भी कर सकते हैं। सो आप तमाम तर लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह नेक।